तो भाई मैंने भाई से पूछा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है। भाई हैं जस्ट 21 साल। भैया वो हो गया ऑलमोस्ट 6 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस उनका। 6 महीने पहले वो कावासाकी में ज्वाइन कर, एक मैं हूँ 21 साल की उम्र में, मैं चेन में अटका हुआ हूँ बाइक की, और भैया सब कुछ सीख चुके हैं। भैया पूरा मतलब चाट चुके हैं सुपर बाइक, उसका हर एक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर उसका सारा सर्विस मेंटेनेंस हर चीज के बारे में उन्हें पता है। मतलब मेहनत, भाई मेहनत जिसे हम कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो भाई वो वही है वर्क एक्सपीरियंस 6 साल का। हमने वो 6 साल सिर्फ भगाने में निकाल दिए, भैया ने 6 साल गाड़ियों को समझने में निकाल दिए। तो भैया हाथ में आज वो पावर है कि भैया हमारी इन सुपर बाइक्स को हम खरीद तो रहे हैं, बट उसे मेंटेन करने की पावर भैया के हाथ में। दैट्स हाउ द हार्ड वर्क पेज यू ऑफ। ये कला है, एवरीथिंग इज अ आर्ट। जो भी आप जिंदगी में करते हैं मास्टरी किसी भी चीज, वो भाई आपको कहीं ना कहीं वक्त आने पे पे जरूर करती, जो कि आप देख सकते हैं। पूरी बाइक एक सेकंड में खोली, 2 या 3 मिनट लगे होंगे भैया को पूरा सिस्टम इधर से उधर करने में। एंड फिलहाल भैया ने चेकअप करके आधा काम आधा प्रोसेस तो निपटा ही चुका है। ये पता चल चुका है कि बाइक में फिलहाल कुछ अंदर डिफॉल्ट नहीं है, कुछ अधूनी दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बस लास्ट में इंजन लाइट को चेक किया जाएगा, कारण उसका पता लगाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो बाइक ओन करता है, क्या उसे अपनी बाइक के छोटे मोटे मैकेनिज्म, छोटी मोटी चीजें पता होनी जरूरी है? थ्रॉटल बॉडी के अंदर, अच्छा यहाँ एयर फिल्टर एयर आएगी थ्रॉटल बॉडी के अंदर, उसके साथ फ्यूल हवा दोनों साथ जाएंगे इंजन में, हेड में। ये इंजन हेड हो गया, ठीक है, जाएंगे फिर पिस्टन रहेगा ना ऊपर। भाई देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है, हम सोचते हैं कि बस इंजन ही तो हो गया काम, हमने थ्रॉटल दिया और सीधा हमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल गया, बट वो रिस्पॉन्स आने के लिए गाड़ी कितना प्रोसेस गुजरना पड़ रहा है, गाड़ी के अंदर कितनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स चीजें चल रही है लास्ट डॉस से रिलीज आउट करने के लिए। ये देख सकते हो आप, ये है पूरा, इसके अंदर पूरा स्कैन कर सकते हो आप। ये देखो किस तरह से इंजन के अंदर पूरा तामझाम होता है। देखो ये 900 के निकाल के रखे हैं, अभी भैया ने हमें बताया कि ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उस दौरान आपको ऐसे खोल के सिखाते होंगे, पूरा सिस्टम बताते होंगे। मैंने कहीं सुना था जैसे ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं, ये जो कोर्स होता है इसका ना ट्रेनिंग मिलती होगी, आम आदमी भी ले सकता है, जैसे कोई सिविल नॉर्मल बंदा, हम जैसे हमें अपनी गाड़ी के बारे में जानना है तो हम ट्रेनिंग ले प्राइवेट। भाई बहुत अच्छा ऑप्शन भी ना, बहुत बढ़िया है। अगर आप शोरूम से अपनी गाड़ी सर्विस करा रहे हैं बट आपको उसकी पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, तो मुझे लगता है आज के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होंगे जो पूरा गाड़ी के बारे में आपको बताते होंगे। ऑनलाइन नहीं होंगे, अकेडमीज होंगी, इस तरह की ट्रेनिंग आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको मिलती होगी, गाड़ियों सुपर बाइक से रिलेटेड ट्रेनिंग आपको क्या है। अगर आप वो ट्रेनिंग कर लेते हो ना एक बार, जस्ट थिंक ऑफ इट फॉर वंस की वो ट्रेनिंग आपने कर ली, भाई आप खुद सोचो जिस गाड़ी को आप चला रहे हो आप उसका हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज के बारे में अवेयर हो गया, आपको पता होगा, तो भाई वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होगा जब आप बाइक को चलाओगे, गाड़ी को ड्राइव करोगे, अपने व्हीकल को चलाओगे। दैट कॉन्फिडेंस कैन ओनली कम जब आप उसके बारे में पूर्णतः जानते हो, उसकी एक छोटी से छोटी चीज के बारे में आपको पता हो। ये जो कोर्सेज हैं ये हर एक व्यक्ति को करने चाहिए, हर एक यंगस्टर को करने चाहिए, हर एक लड़के को करने चाहिए, बहुत जरूरी है अपनी चीज को और अच्छे से जानने के लिए। ब्रो चेंज होने की जरूरत है क्या इसमें? क्लीनिंग होगी? ओके जिम्मेदारियों का एहसास खरीदते वक्त नहीं होता, खरीदने के बाद होता है। इट इज इजी टू बाय एक्सपेंसिव थिंग्स बट इट्स नॉट दैट इजी टू मेंटेन देम, उनको मेंटेन करना। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं ब्रो। जैसे हमारा शरीर है ना कॉम्प्लेक्स, कई ऑर्गन्स से मिलके हमारा एक यूनिट, एक सिंगल शरीर तैयार होता है, जस्ट लाइक आर हार्ट, आर किडनी, आर लिवर, आर लंग्स, आर ब्रेन, आर सो एंड सो। वैसी एक गाड़ी है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको मिला के एक गाड़ी तैयार हो रही है, जिनमें से कुछ चीजें बहुत वाइटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंजन बहुत ज्यादा जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गाड़ी के हर एक पार्ट में, वो इंजन है। हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन्स हैं जो शरीर को चैनलाइज कर रहे हैं, जैसे कि किडनी, हार्ट और ब्रेन, वैसी गाड़ी के लिए है इंजन, थ्रॉटल और उसका इलेक्ट्रॉनिक। छोटी छोटी चीजें जिनको मिला के गाड़ी तैयार होती है, उनमें से कई चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको बताई थी, हमारी चेन है, बाइक के टायर्स हैं बहुत जरूरी है, बाइक के ब्रेक पैड्स हैं, मतलब ये छोटी छोटी चीजें। जस्ट थिंक ऑफ इट एज अगर हमारा ह्यूमन बॉडी होता तो उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स होते हैं, वैसी एक गाड़ी है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन है गाड़ी को रनिंग रखने के लिए बहुत बड़ा है। चेन, हमारे ब्रेक पैड्स, हमारे टायर, साइड इंडिकेटर, शॉकर, सस्पेंशन, हमारा इंजन, हमारा थ्रॉटल, बाइक का हैंडल दिखने में छोटी है बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट अ बाइक रनिंग। यहाँ तक की ये जो प्रोटेक्टर है, ये छोटा सा प्रोटेक्टर आपको बहुत छोटा दिख रहा हो बट ये इंजन प्रोटेक्टर जो है, ये क्रैश गार्ड जो है, इतना इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैं बाइक चला रहा था और अचानक से बाइक एक साइड को टिल्ट होकर गिर गई, बैलेंस नहीं बना, मुझे रोड क्रॉस करनी थी, पीछे ट्रैफिक था, अचानक से नर्वस होके मेरे हाथ से बाइक टिल्ट हो गई। उस समय पे इसने मार झेली, इसने वो प्रेशर झेला और इंजन पे इम्पैक्ट
इम्पैक्ट नहीं आया, गाड़ी के दूसरे पार्ट पे इम्पैक्ट नहीं आया, गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित रही, समझ रहे हो। तो दिखने में छोटी सी चीज है बट वक्त आने पे इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है, जरूरत कितनी बड़ी है। कहने को सिर्फ 250,000-2,000 की चीज है बट वक्त आने पे इंजन को प्रोटेक्ट किया जिसके लिए वो बना है। हमें दिखती है कुछ चीजें इनकी जरूरत क्या है बट उन चीजों की बहुत जरूरत होती है ब्रो। वो चीजें जो है उस गाड़ी को एकजुट रखने में, एक सिंगल यूनिट बनाने में सहयोगी होती है। फिलहाल मजेदार बात पता है कि आप, मैं एक सेल्फी स्टिक से कितना वाइड एंगल ले सकता हूँ। कुछ समय पहले तक मैं बड़ा परेशान रहता था कि हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है ब्रो, बट कभी फेस कट जा रहा है, कभी लिप्स कट जा रहे हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी ब्रो। फिर मैंने खरीद ली एक सेल्फी स्टिक और उसके बाद से मेरे को लाइफ में मिल चुकी है आजादी ब्रो। अब मैं कितनी भी दूर अपनी सेल्फी स्टिक कर, कितनी भी दूर से पूरा सिस्टम दिखा सकता हूँ कि क्या चल रहा है, देख सकते हो आप। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ हैविंग अ सेल्फी स्टिक। मैंने लाइफ में सेल्फी स्टिक यूज नहीं करी जबकि मेरे को कंटेंट क्रिएट करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं, बट मेरे को कभी रिक्वायरमेंट लगी नहीं कि मुझे एक सेल्फी स्टिक लेके व्लॉग्स बनाने चाहिए। बट विद टाइम आई रियलाइज मेरी जो कैपेबिलिटीज है ना व्लॉगिंग करने की ज्यादा ब्रॉड हो जाती है अगर मैं सेल्फी स्टिक को यूज कर। मेरे पे जो ऑप्शंस है ना व्लॉगिंग करने के वर्सेटाइल हो जाता है, चीजें और ज्यादा खुल जाती है, ऑप्शंस और ज्यादा खुल जाते हैं सेल्फी स्टिक के माध्यम से। देखो एक सेल्फी स्टिक है और मैं पूरा लाइक कवर कर सकता हूँ, अपनी बाइक भी दिखा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो खुद को भी दिखा सकता हूँ कैमरे के अंदर, मैं इसको पीछे ले जा सकता हूँ, आगे ला सकता हूँ, काफी सारे एंगल्स के साथ खेल सकता हूँ, छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो ये सारी जो फ्रीडम, सारी जो स्पेस, वो स्पेस मुझे मिल पा रही है बिकॉज ऑफ द सेल्फी स्टिक। अदरवाइज इवन हैविंग अ आईफोन 14 इट वॉज रियली हार्ड कि आपको सही एंगल मिल पाए। ठीक है ब्रो, तो ये आ चुका है अपना इंजन ऑयल जो होने जा रहा है अब चेंज, इंजन ऑयल हो जाएगा चेंज। वहाँ पे निकल खराब इंजन ऑयल था वो जा चुका है फेंकने के लिए, और ये जो आ चुका है हमारे सामने ये है फ्रेश सील पैक्ड इंजन ऑयल, 750 का एक डब्बा है। तो अब आप लगा लो कि हम 4 डब्बे डलवाने जा रहे हैं तो हमें कितने का पड़ जाएगा। भाई ऑलमोस्ट डन हो चुकी है अपनी गाड़ी की सर्विस, फिलहाल टैंक बॉडी वापस से चढ़ चुकी है अपनी बाइक में, ये देख सकते हो आप, वापस टैंक फिट हो चुका है जहाँ पे उसे होना चाहिए। ये पूरा लुक दे देता हूँ मैं, लुक कराऊ, टैंक फिट हो चुका है, अंदर का इलेक्ट्रॉनिक्स चेकअप हो चुका है, छोटी मोटी चीजें होंगी वो अभी चेक कर ली जाएंगी, पेमेंट करेंगे एट लास्ट, फिर अपनी लेनी है आरसी, आरसी लेना बहुत जरूरी है, आरसी सबमिट कर दी जाती है ऑफिस में जब हम अंदर आते हैं सर्विस कराने के लिए अपनी गाड़ी की। और वो क्यों ली जाती है हर बाइक सेंटर में, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि गाड़ी आपके नाम पे है, आपकी ही है जो आप सर्विस कराने के लिए लाए हैं, इसलिए आरसी हमेशा जमा होती है। तो जाते हुए हमेशा याद रखिए जब भी अपनी गाड़ी बाइक सर्विस करा के जा रहे हैं कि आरसी ले लीजिए ऑफिस। ठीक है जी, 750 के डब्बे अपनी गाड़ी के अंदर जा चुके, 4 डब्बे इंजन ऑयल के जो हमारी गाड़ी पी चुकी है। अब इसे पीने के बाद उम्मीद है कि हमारी गाड़ी मैक्स परफॉर्मेंस हमें निकाल के देगी, बहुत जरूरी है फॉर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये देख सकते हो बाकी 3 नीचे रखे हुए हैं, तीनों यानी कि तीनों नहीं चारों, चारों के चारों हमारी गाड़ी के अंदर जा चुके हैं। भाई बस आज एक काम बाकी रह गया जो मुझे लगता है जिसके लिए मुझे बहुत जल्दी आना पड़ेगा, और वो है ब्रेक पैड्स, है ना भैया, ब्रेक पैड सही 50% है ना? ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आपको पता ही है इन बाइक्स में थोड़ा ज्यादा रहता है तो इसलिए खपत जल्दी होगी मुझे लगता है, विद इन अ वीक और टू। देखो ब्रो हल्का सा ना गैप से पता चल जाता है देखने से बाहर से, इसमें अब गुंजाइश बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है ना वो ये है, विद इन अ वीक और टू इनके लिए मुझे शोरूम आना ही पड़ेगा भाई के पास ब्रेक पैड्स चेंज करवाने के लिए, बिकॉज कंजम्पशन बहुत तेज होता है भाई, कंज्यूम बहुत जल्दी करती है बाइक जो ब्रेक पैड्स है ना। आपने देखा होगा रैश ब्रेकिंग तो होती है भाई, जब हम एकदम से जब इस थ्रॉटल देते हैं ना, इतना एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स है कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं नेक टू नेक होते हैं हम रोड, जब हम चल रहे होते हैं बिल्कुल क्लोज कॉल्स होती हैं, उस समय पे हमें ब्रेक एकदम से रैपिडली क्विकली अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्रेक पैड है इस पे इम्पैक्ट आता है, और जब इस पे इम्पैक्ट आता है तो ये जल्दी घिसता है, एंड जब ये जल्दी घिसेगा तो हमें इसे जल्दी चेंज भी कराना पड़ेगा। आज जरूरत नहीं है जैसे भाई बता रहे, बट इन फ्यूचर विद इन अ वीक और टू करवाना पड़ेगा जहां तक मुझे लगता है। मतलब बाइक जब ली थी तो तब नहीं पता था भाई कि ये गाड़ी जो है ये वो कुआं है जिसमें हम जितना डालते जाएंगे उतना कम पड़ेगा। इस समय भाई ने मेरे को कहा पहले वीडियो रोक ले, पहले झटका ले ले, पहले समझ ले, दिमाग को थोड़ा स्थिर कर ले, फिर वीडियो में बताइए कि भाई क्या है स्थिति। ब्रेक पैड जो कि हम हिमालयन में 1,000-2,000-3,000 मैक्सिमम 4,000 जाता रहा होगा ब्रेक पैड, इस गाड़ी के 12-15,000 रुपए के हैं ब्रो। ने कहा जब अगली बार आओगे ब्रेक पैड चेंज कराने के 15,000 रुपए साथ लेके आना, मतलब इस समय मेरा माइंड जो है ना ब्लो आउट हो रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं ब्रेक पैड, इतनी छोटी सी चीज होती है उसके 15,000 रुपए। भाई ये चीज है ब्रेक पैड यार, ये चीज देख रहा है बीच में ना रबर टाइप का, ब्रेक अप्लाई होने पे हमारी गाड़ी को रोकता है, ये मेटल के ब्रेक के बीच में जो होता है उसे कहते हैं ब्रेक पैड। तो भाई अगर पैसे जोड़ के सुपर बाइक ले लिए तो ये मत समझो कि तुमने गोल अचीव कर लिया है भाई, गोल तो अभी तुम्हारे ये तो स्टार्टिंग है, इसके बाद ड्रीम जो है ना तुम्हारा वो तब कंप्लीट होगा जिस दिन तुम उस बाइक की सर्विस कराने के लायक हो जाओ, केपेबल हो जाओ, उस दिन तुम कह सकते हो कि हाँ भाई
सुपर बाइक लेना वर्थ इट है, सुपर बाइक लेके मैंने कुछ उखाड़ा है। फिलहाल जब मैं 12,000 सुन रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ब्रो क्या हो रहा है ये अपने साथ। ये मतलब मेरे दिमाग में ना एक सेकंड के लिए भी नहीं था जब मैं 7-8 लाख रुपए एक सुपर बाइक में डाल रहा था कि जब मुझे उसे सर्विस कराना होगा तो उसके इतने खर्चे होंगे। बट जैसे मैंने इसको लिया, इसके बारे में रिसर्च करी, इसके बारे में सर्च करना शुरू करा, तो तब मेरे को जो चीजें पता चलनी शुरू हुई। ठीक है ब्रो, तो अपनी चेक लाइट भी जा चुकी। अब वो किस वजह से था वो भैया ही जानते हैं, भैया को ही पता होगा क्यों आ रही थी वो चेक लाइट। मोस्टली मुझे लगता है ये देख लीजिए आप, बाइक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे रीड हो रहा है। भैया ने यहाँ से कनेक्ट करके अपने लैपी से कनेक्ट करा और यहाँ पे हमारी बाइक पूरी एनालाइज हो रही है, व्हीकल डायग्नोसिस रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। भाई महंगा तो है पर भाई शॉप बड़ा निराला है सुपर बाइक, इसमें चीजें भी काफी निराली है, काफी यूनिक, बिल्कुल AI वाला जो सिस्टम नहीं होता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, मतलब फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं भाई इन सुपर बाइक्स में। उससे ज्यादा पता है क्या, इनके खर्चे इलेक्ट्रॉनिक्स तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख के सुकून मिलता है, हमारे दिमाग को हिला दे तब होता है जब हम इनके खर्चे सुनते हैं। ने अभी एक झटका हमें दिया, ब्रेक पैड 12,000 के। ऐसे झटके भी लगते रहते हैं, कभी कभी झटके खुशी के होते हैं और सिर्फ आगे आगे के 12,000 टोटल पड़ेगा 16,000 खिलाना ही पड़ेगा। भैया क्या करें, जब इतना बड़ा हाथी ले लिया है तो 16,000 का उसे केले तो खिलाने ही पड़ेंगे हाथी को। दिस सुपर बाइक विल ईट माय बनानास वन डे। बनाना खिलाते 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 वो दिन आ जाएगा कि जब ये मेरी बनाना ना खा जाए, तो वो दिन ना आए। उससे पहले भाई जितना इसमें खर्च हो रहा है उतना हम कमाने भी लग जाए, बस भगवान से यही दुआ है। दिस इज द ओनली विश दैट आई हैव। दिस लुक्स क्रेजी, देख सकते हो जी ये बाइक चलती है ना, मैंने पीछे से तो कभी लुक देखा नहीं, जब मेरे भाई वगैरह इसको चलाते तो एक दो बार मेरी नजर पड़ी है पीछे की तरफ। सिस्टम है ये, मतलब अलग पर्सनैलिटी एड ऑन कर देता है बाइक में, एक अलग लुक एड ऑन कर देता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद द कावासाकी शोरूम वाज रियली गुड, इवन व्हेन इट कम्स टू ओनिंग अ प्री ओन्ड व्हीकल। गाड़ी की जब सर्विस पास आती है, गाड़ी को सर्विस कराना, हर एक एक्सपीरियंस जो है शोरूम के साथ, कावासाकी टीम के साथ, वो बहुत बेहतर रहा है मेरा। और मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत बेहतर मिला, बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, लूटने वाला कभी काम नहीं हुआ। क्लियरली बताया गया है जो चीजें रिक्वायर्ड है बाइक में, वो चीजें बताई गई, कंप्लीट करी गई, जो खर्चे जेन्युइन है, जो खर्चे होने थे जरूरी थे वो करे गए हैं, एंड कभी भी खींचा नहीं गया चीजों को, हमेशा क्लियर कट रखा गया है कि भाई क्या जरूरी है और क्या अभी जरूरी नहीं है, तो वो सारी चीजें हमेशा से क्लियर रही। काइंड ऑफ हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विद द कावासाकी टीम। भाई हर चीज जब इतनी बेहतर मिलेगी, सर्विस से लेके सेल्स से लेके हर चीज, तो भाई शिकायत करने के लिए कुछ बचता ही, एक्सपीरियंस बढ़िया है ब्रो। अगर फ्यूचर में लगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करी जाएंगी, बट फिलहाल तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो मैं आपको बता सकूं, जो मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो अपनी गाड़ी को मेंटेन करने में। ऐसा कोई भी इशू मैंने अभी तक फेस नहीं करा विद कावासाकी टीम। हर चीज बेहतर है, हर चीज बढ़िया है, सही तरह से जैसे होना चाहिए, जेन्युइन सर्विस है, जेन्युइन कस्टमर डीलिंग है, हर चीज बेहतर है, अप टू द मार्क है। भाई अभी शोरूम बंद होने का टाइम है, मैं यहाँ पे अकेला कस्टमर हूँ इस टाइम पे खड़ा होकर, मेरे पीछे देख सकते हो आप कितना घनघोर अंधेरा हो रहा है। मेरे को ना ऐसी सी फीलिंग आ रही है जैसे आप हॉरर मूवीज में नहीं देख, पीछे पूरा ऐसे लॉबी होती है और लॉबी से कोई भूत अचानक से दौड़ते हुए आता है तुम्हारे पीछे और तुम एट द एंड बहुत भयंकर तौर से डर जाते हो, खौफ आ जाता है तुम्हारे भीतर ये सोचते ही। वैसे सा मतलब मेरे को भी फीलिंग हो रही है क्योंकि कोई भी नहीं है, फिलहाल भाई भी जा चुका है, कुछ काम पड़ गया होगा उन्हें तो वो अंदर जा चुके। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ अकेला मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ पीछे देख सकते हो पूरी लॉबी इस समय पे शेड से घिरी हुई है, अंधेरा और कुछ अंधेरा, बाहर भी शाम हो चुकी है ब्रो। ज्यादा रिएक्ट कर रहा हूँ मैं कि भूत भूत आ जाएगा, भूत भूत कुछ नहीं है भाई, इधर ऐसा सिस्टम नहीं है। जब हम थ्रॉटल देते हैं ना सुपर बाइक को तो तब अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, छोटे मोटे भूतों की क्या ही जरूरत होगी हमसे पंगा लेने की। हम देंगे थ्रॉटल, अभी आपको थ्रॉटल देके दिखाता हूँ कैसे देंगे हम। चलो छोड़ो यार, बाद में देके दिखाऊंगा थ्रॉटल, अभी गाड़ी चलानी है, तब 1000 बार थ्रॉटल देंगे, 1000 बार आपको दिखाएंगे। फिलहाल भाई आ चुके हैं वापस, ल्यूब्रिकेंट्स ला चुके हैं, चेन क्लीनर ला चुके हैं, उससे हमारी चेन हो जाएगी बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल क्लीन। अब मैं पहले भाई को कह रहा था कि भाई चेन चेंज कराने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा अभी तो जरूरत है, थोड़ा बहुत जो रस्ट है वो चेन क्लीनर से निकल जाएगा। और वैसे भी भाई जब इसमें कुछ चेंज कराने की बात आती है, इनके खर्चे इतने, इस बाइक के नखरे इतने कि भैया चेंज कराने का मतलब हजारों का फटका, 10,000-20,000 तो सामान नहीं है। जब इतनी छोटी छोटी चीजों के इतने मोटे मोटे खर्चे, जैसे कि ब्रेक पैड 12-13 हजार रुपए सामान्य खर्चा है, 12-13-14 हजार रुपए चेन चेंज कराते वक्त, तो नहीं हमें आईफोन ना बेचना पड़ जाए। पर ऐसा नहीं होगा ब्रो, ये तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ भाई, जब पाल तमीज से ही पालेंगे।